सोमवती ने देखा रे तेरे घर में कौन ये लुगाई बड़की कौन रोए है। बाज के आई के जी आप कौन हो, मेरे घर में क्यों आई और आके क्यों रोई। इतनी सुनते ही दूती ने बाज के सोमवती की कोली भर लिए झूठे आंसुआ की धार बांध दी। ए बेटी तू क्यों कर पिछाने की मने, ये मैं तेरे ब्याह में कौन आई, तू कौन है जानती। बेटी मैं तेरे पति चाप सिंह की बुआ लगती हूँ बुआ। लवा इतनी बात सुनते ही तो सोमवती की आंखों में पानी आ गया। क्यों? क्योंकि घर में ना देवर जेठानी ना सासू ननंद बाबज कोई को ना था, एकली रहे थी। एकदम छाती सी बंद गई क्योंकि 6 महीने के बाद उसका पति तो नहीं आया। वह बुआ आ गई, अपनी बुआ के पैर छुए, खूब ताऊ सेवा करी झूठी बुआ की, रोज पां दबावे, हे बुआ आशीर्वाद दे मने, मेरा छोरा हो है। और वह झूठी बुआ झूठे आशीर्वाद दे लग रही। तीसरे दिन सेवा करवा करू के निवली बेटी इब मैं अपने घर जाऊं हूं। सोमवती निवली की बुआ अगर आपने कोई काम हो ना देखे आती जाती रहिए, मेरा मन लग गया तेरे तो मिलके और आती जाती रहे, कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताइए। बुआ ने बोली बेटी आई तो तेरे को नकाम ते थी, पर शर्म आवे है कि मैं कोई सामान मांगू तेरे ते। सोमवती बोली बुआ इसका मतलब तू मन अपनी बेटी नहीं समझती, ए वो तू बोल के ची है तने। बोली बेटी तू तो टापर है तने के बेरा, हम छतरी है और छतरियों में जब किसी छोरे का ब्याह हो तो उसके मामा फूफी का जो कोई भाई हो उसकी कोई पटकार कटार पूजे है, नेक पूजे है, पूजा होती है जब शादी होती है। बोली अच्छा, हे बेटी तेरे कने पटका कटार होगी, तेरे पति की दी हुई सजन निशानी के तौर पर छोड़ कर गया था। मैं बोली बुआ से तो मेरे कने, लेकिन तू कद उल्टे फेरेगी। मैं बोली बुआ झूठी, हे बेटी 2 दिन पाछे तेरे आके न्यू दे जाऊंगी। सोमवती बाज के गई और अपने पति की निशानी पटका तलवार और कटार ला के बुआ को दे देती है। कि बुआ बाहर को लिकड़ी, उस दूती बुआ के मन में बात आई, ओ हो ये पटका कटार तो झूठे हो सके, को दूसरा सांग रच। उल्टी आई, उल्टी आके सोमवती ते बोली बेटी मेरी एक इच्छा और है। बोलिए के बेटी तू मेरी बेटी वर्गी है और तने मेरी खूब सेवा करी, मेरा जी तन्यो करे मैं तने अपने हाथा ते नवा दूं। फिर के ताता पानी करा चंदन चौकी बिछाई नुहान लागी। अरे सजन नुहाते वक्त उस दूती ने सोमवती की बाई जांग पे एक दिल का निशान देख लिया, दिल का निशान, पटका कटारी और ये निशान लेकर शेर खान के पास आ गई। और जैसे ही पटका कटारी थी जुकर भुक्के ने रोटी मिल जा, कंगले ने धनमाया, शेर खान को मिली पटका कटारी उसकी आनंद होगी काया। लेके चल पड़ा दूती ने लमरा, रुक जा रे शेर खान एक निशानी और बताऊंगी, ये पटका कटार झूठी हो सकती है, वह निशानी कौन है झूठी हो। बोली बता। बोले 1000 असरफी लूंगी। सजनों 2000 असरफी दे दी कि बता, वो तिल का निशान भी बता दिया। अब चलता चलता शेर खान आगरा पहुंच जाता है 15वें दिन। दरबार लगा है भरा खचा खच, राजपूत खड़े मुगल खड़े, एक तरफ चाप सिंह खड़ा एक तरफ वो शेर खान खड़ा। लोगों में चर्चे हैं कि आज देखना ये शेर खान पठान मरेगा। अरे कुछ नहीं कह रहे भाई, वीर बनने का कौन मेरा के एक सांग हो जा, गलत भी हो सके है। अकबर ने अपना हुक्म फरमाया कि शेर खान लाए हो कुछ सबूत, तो सजनों सबूत के तौर पे वे पटका और कटार आके धर देता है। पटका और कटार पे चाप सिंह ने देखा, ओहो तेरा नाम है, पहचान तो ली, लेकिन कहता कि जापना ये बाजार से खरीद के ले आया होगा, मुझसे चिढ़ता है और ये गलत पटका कटार दिखा के मुझे फांसी पे चढ़वाना चाहता है। इस बात का समर्थन 1600 राजपूत करते हैं कि ये पटका कटार चाप सिंह की नहीं है। इतनी बात सुनते ही शेर खान जोर का हंसण ला गया। अकबर बोले रे क्यों हंसे है। बोला मैंने पता था साहब ये झूठे होंगे, अरे एक ऐसा सबूत बता दू जो इसने बहरा है चाप सिंह ने, इसकी वो उन्हें बहरा है सोमवती ने, सोमवती की माँ को बताओ अगर चौथा मानस मैं हूं। बोला के, बोला पूछिए इससे इसकी पत्नी की बाई जांग पे दिल का निशान है या नहीं।
लगो तिल का सुना निशान झड़की चेहरे की लाली, कदर राजपूता की घटी कदर हिंदुआ की घटी, गोटे टूट गए आंखों में पानी आ गया, गोटे टेक के बैठ जाता है चाप से, हाथ जोड़ के बोले महाराज बंद कर ले इसकी जबान, बंद कर ले इसकी जबान, यो सच्चा हो गया रे, पर मैंने पता नहीं था मेरे जीवन साथी सोमति मेरे के लिए इतना बड़ा धोखा करेगी। लोगो टूट जाता है चाप सिंह, हाथ जोड़ के कहता है कि महाराज बड़ा गर्व करा करता था सोमति पर, लेकिन आज मेरी खुद की पत्नी ने मेरे को धोखा दे दिया, मैं शर्त हार गया हूं मेरे को फांसी पे चढ़ाया जाए। अकबर कहता है कि भाई वो या तो तेरी गली शान बेकार, मैं तेरे को फांसी पे चढ़ाऊं तो मेरा दिल भी रो रहा है, लेकिन शर्त और नियम तो नियम है भाई, फांसी पे तो तू चढ़ेगा, लेकिन तेरी कोई आखिरी इच्छा? बोले महाराज मेरी कोई इच्छा कोई ना। बोले नहीं एक इच्छा तो बता पूरी करूंगा। हाथ जोड़ कर बोला ये महाराज, अरे जिस राजस्थान की भूमि पर मन ने जन्म लिया है, एक बार मरण से पहले उस माटी को अपने माथे पे चुचकारना चाहता हूँ, अपने बूंदी गढ़ के दर्शन करना चाहता हूँ। लोगो गढ़ में तोक हाथ तकड़ी पाया बेड़ी चार जल्लाद पकड़ के आग्रह थे चाप सिंह को बूंदी गढ़ में ले आए। जब गांव की सीमा में भीतर बढ़ लगे हाथ जोड़ के बोला जल्लाद तेरे जल्लाद भाइयो, अरे मैं भागू को ना, मैं पापी नहीं हूं, लेकिन अगर इन तकड़ियों में मैं भीतर जाऊंगा अपने गांव में तो लोग क्या कहेंगे, भाई मेरी बेड़ी खोल दो। जल्लादों को रहम आ गया, बेड़ियां खोल दी, जल्लाद बाहर रुक जाते हैं अपने गांव की मिट्टी को माथे से चुचकार के। जैसे ही गांव में सीमा में प्रवेश करा लोगों याद आती है सारी बातें, इस गली में मेरे दोस्त का घर हुआ करता था, इस पेड़ पर मैं डंडा झूठ खेला करता था, यू मेरी ताई का घर है, यू मेरे चाचा का घर है। आख्या में आंसू आ रहे और उधर दूसरी तरफ सोमवती को किसी ने बता दिया कि तेरा पति आया है। लगो आरती का थाल सजा के सोलह सिंगार वो पत्नी करके अपने महल से बाहर निकली। संयोग किसा बना ऐसा सूत बैठा के सामी तो चाप सिंह आवे और दूसरी तरफ से वह सोमवती आवे, अपने पति को देख के आंखों में आंसू आ गए और चाप सिंह की आंखों में आंसू नहीं आ गए, देख लिया डाण आली तेरे आगे। सजनों दोनों की आंखों में आंसू, एक के में खुशी के एक के में गम के, क्यों कर दोनों का मिलना हो, एक बार जोरदार था जोरदार, बड़ी मार भी करा दी।